Hi, what's your name? Sugandha Date. कहाँ से हैं आप? नागपुर. आपके दांत कहाँ हैं? टूट गए. तो सुगंधा जी आपकी उम्र क्या है? How old are you? और आपके फेवरेट सिंगर कौन है? श्रेया घोषाल. नहीं नहीं और कोई है? ऑप्शन टू क्या है? सेकंड फेवरेट कौन है? शेखर सर. हाँ क्या बात है? पहली बार ऐसा हुआ है. पता नहीं मैंने बोला इनको बोलने के लिए इसलिए. क्या बात कर रहे हो आप? और थर्ड थर्ड विशाल सर. क्या बात है यार, मैं नंबर थ्री पे आ गया यार. जिंदगी में कभी सोचा नहीं था. तो सुगंधा बताइए आपके बारे में, किसके साथ आए हैं आप? मेरे मम्मी के साथ. अच्छा, क्या सीख रही हैं? लाइट म्यूजिक. लाइट म्यूजिक सीख रही हैं. नाट्य संगीत सीखा कुछ? नहीं. मराठी? नहीं. मराठी सीखती हूँ. और कितने साल से सीख रही हैं आप? दो साल से. क्या बात है. आज क्या गाओगी? जरा सी आहट. अरे वाह, सुपर. चलो चलो गाओ. शेखर सर, डी शार्प. यस एब्सोल्युटली. जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं. क्या बात. कहीं ये वो तो नहीं, छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सता देता है. शाम से पहले दिया दिल का चला देता है. बहुत बहुत अच्छे. अब कोई भावगीत वगैरह सुना दो यार, कुछ अच्छा वाला. बाजे मुरलिया सुना के दिखाओ. हाँ प्लीज सुना ना. बाजे मुरलिया बाजे बाजे दे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे दे मुरलिया बाजे. अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे दे मुरलिया बाजे. आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए. मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ. दे दो आशीर्वाद, तरसते रहेंगे नहीं तो रोते. सोहम जी, क्या आप गाते हो? गाता तो हूँ. क्या बात कर रहे हो. तो ऐसा अगर हो सकता है कि आप हमें भी थोड़ा कुछ सुना दे, ऐसा चांस है कोई? चाचू रिवाइंड. अच्छा सोहम जी, आप क्या गाएंगे आज हमारे लिए? आज इतनी सी हंसी और मियां जूते से पानी ये आता है मुझे. एक 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 ही. कौन सा वाला? इतनी सी हंसी गाओ. चलो. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, कांबों के तिनको से चल बनाए आशिया. दाबे दाबे पांव से आले आले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल. सुम सुम तराने चिपके चुपके गाया दी दी बाट ले आजा दिल की ये जमी. थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया. ओके सोहम जी, सुपर. पॉज पॉज, ये तो फुल एंटरटेनमेंट है यार. सोहम जी, अच्छा अभी रिमोट बंद हो गया, अब आप नॉर्मल हो सकते हैं. ऐसा है कि फाइनली डाल दे इधर अंदर. टाइम आ गया सोहम,
अब भूतों से मिलने का टाइम आ गया। मत खोलना मत। पॉज। प्ले। फॉरवर्ड। अच्छा क्या पसंद है आपको? मुझे टॉय लेके जाइए, आप बहुत क्यूट हो। जो बच्चे बहुत खास होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, वो डब्बे के अंदर नहीं पर डब्बे से कुछ उनको मिलता है। हाँ ये लेके जाओ, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू, बाय सोम। बाय बाय। यार कम से कम बाय तो बोल दो यार, एक बार बाय तो बोल दे सोम। बाय सोम, इज टू बिजी यार, बज नहीं रही है मुझसे। बजेगी बजेगी। एक काम करो सोम, सोम ये वाला भी ले जाओ, इसमें ऐसा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों 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 ले जाओ, ये वाला सीख ले। ऑसम। अच्छा सोहम जी नमस्कार, थैंक यू सोहम। थैंक यू, बाय। थैंक यू, हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या लिखा है आपके टी शर्ट पे? पॉप आई। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु शुक्ला। किसके साथ आई हैं आप? अपने ग्रैंडफादर, ब्रदर, मदर, फादर। चार लोग साथ में आए हैं, क्या बात। अरे वाह, म्यूजिक सीखते हो? नहीं तो कैसे कैसे आता है गाना वाना, कैसे सीखते हो? मोबाइल से सीखता हूँ। मोबाइल से? मोबाइल से मतलब? मतलब मोबाइल का स्पीकर लगा के उससे सीखता हूँ। कौन से गाने सीखे हैं बताओ? बहुत सारे। अच्छा आज कौन सा फेवरेट गाना कौन सा है? इश्क वाला लव। क्या बात है, सुनाएंगे आप? सुनाइए। टेन 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 टेन। ओह व्हाट म्यूजिक प्लीज। टेन 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 टेन। सुख वाला सौज वाला वैसे वाला ला होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला ला इश्क वाला लव। ओ ओ ओ ओ ओ टिन 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 टिन। सुपर टिन 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 टिन। ब्रिलियंट। Din 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 हो जाते होते 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 होगा सब जाए हम थम जाए तुम वो दिल मेरे टूट ज्यादा ज्यादा तारा जम तेरा ज्यादा 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 मांगू दिल तेरा तभी ज्यादा ज्यादा माने ना फिर जे सर तेरा इश्क वाला लव बड़ा जलीला नान था पर आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव जुको ने काट तो तुझे पता नहीं कि ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। अमेजिंग हुआ चुड़र कभी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ओ ओ ओ ओ दिव्यांशु जी कंपोजर हम है ना, हमने गाने यहीं पे समाप्त कर दिए। दिव्यांशु जी ये हमारा कंपोज गाना है और इसमें आपने बिल्कुल ये जो सब जो स्केल्स थे बहुत मुश्किल स्केल्स हैं जो अंतरे के जो लाइंस है जो म्यूजिक पीसेस के साथ आपने जो गाया कमाल मींस इट्स अनबिलीवेबल। कितने सिंगर है गाने में मालूम है आपको? दो। तीन है? तीन। कौन तीन पता है? एक तो ये है भाई साहब जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, दूसरे सलीम, सलीम सुलेमान के सलीम है ना कंपोजर वो, और तीसरी हमारी एक दोस्त है नीति मोहन, उन्होंने गाया। तीन सिंगर्स हैं, तीनों की आवाज में गाया और तीनों के पार्ट्स आपने गाए, क्या बात है। ऐसे करो या।
आप तो धुरंधर हो बाबा, कहाँ से आए हो आप? दहीसर से। दिव्यांशु आप बहुत बहुत टैलेंटेड हो और प्लीज़ आपके पूरे फैमिली से आप कहिए कि आपके लिए एक अच्छा गुरु रखें और जल्दी जल्दी शुरू कर दें आपकी। आपकी उम्र क्या है यार दिव्यांशु? 8 ईयर्स। बॉस अगर 8 ईयर्स में बगैर सीखे इतना अच्छा गाते हो ना, थोड़ा सा सीख लोगे ना आप पूरा उस्ताद हो जाओगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप आगे आए पर इन दोनों ने कह दिया, लेकिन आप तैयारी करोगे ना? ढेर सारी आपको पता नहीं अब इतना टैलेंट। चलो एक काम करो, सेकंड राउंड में भी हाँ बोलता हूँ। हाँ चलो। रियली? यस मैं भी हाँ बोलता हूँ, चलिए। शहनशाह, ये तो एकदम शहनशाह ही लग रहे हैं। सलाम। तो एकदम क्या स्टार लग रहे हो यार, क्या नाम है आपकी? उम्र क्या है यार? मैं 14 साल का हूँ। 14। नाम क्या है आपका? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध, पूरा नाम? प्रबुद्ध लोखंडे। काय सांगते साहेब, फंटास्टिक। फंटास्टिक। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हो? साइंस चक्राबर्ती। अच्छा, क्या करते हैं मॉम एंड डैड? मेरी मॉम नर्स है। अच्छा, और मेरे पापा आर्टिस्ट है, कीबोर्ड प्ले करते हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? राजेश लोखंडे। मतलब पैदाइशी आपको विरासत में मिली है म्यूजिक, ऐसा है? क्या बात है, तो क्या सुनेंगे आप आज? आज मैं हरियाणा जी का फूले चांदे सुनाऊंगा। सुनाइए सुनाइए। फूल है चांद है क्या लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है। प्रबुद्ध आप रोज रियाज करते हो? सच बोलना। सो स्वीट, एटलीस्ट ये सच तो बोलने की कोशिश कर रहा है। चेहरा ही बोल रहा है। चेहरा ही बोल रहा है। मैं होती तो बोल देती, मैं रोज रियाज करती हूं। 1.5 महीना हो गया रियाज नहीं किया। क्या इतना दिन क्यों? क्यों लेकिन ये ज्यादा हो गया। 9th की एग्जाम्स थी ना। 9th के यार एग्जाम्स तो बहुत डर था। ये बच्चों पे जो एग्जाम्स का प्रेशर है इसका भी कुछ करना चाहिए। आप जो रियाज का प्रेशर डाल रहे हो वो एक ना एक तो करना ही पड़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एक बच्चा आके गजलों में इंटरेस्ट रखता है, जो सुनता है अच्छे म्यूजिक को, और ये जॉनर में हर कोई नहीं इंटरेस्ट लेता है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर और इसको अटेम्प्ट किया। बहुत खुश हूँ मैं। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है आपके लिए। आप भी आ रहे हैं। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? श्रीकांत नवीन सिंह। किसके साथ आए हैं आप? पापा के साथ। फैमिली में कोई गाता है? जी सब लोग गाते हैं। सब गाते हैं? सब मतलब? पापा, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मैं। मतलब प्रोफेशनली गाते हैं? पापा का भजन मंडली है। कभी गाया भजन मंडली में खुद? जी गाया है। जाता हूँ मैं पापा के साथ तो पापा का पूरा हेल्प करता हूँ और पापा के साथ हारमोनियम बजा देता हूँ। वेरी गुड। अरे क्या बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सुनाइए क्या सुनाएंगे आज? सर मेरे को हारमोनियम चाहिए। हारमोनियम? आप कहाँ से? हारमोनियम नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको सुर दे देंगे। सुर बताइए क्या है, कौन से सुर? हमें तुमसे प्यार कितना। नहीं एक मिनट, ये सुर से गाओ, काली एक से। हमें तुम, अभी गाइए, काली दो है, काली दो से। गाइए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की। श्रीकांत जी सॉरी सॉरी आपको रोका मैंने। आपके पिताजी आए हैं जी, आप बुलाएंगे उनको प्लीज जी। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल,
बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता डबस्टेप नमस्कार जी आइए आइए क्या नाम है आपका नवीन कुमार सिंह नवीन जी इनकी आवाज थोड़ी बैठी हुई है आज इसका क्या कारण है थोड़ा सा इसका आवाज पहले ही से थोड़ा मतलब गाता तो अच्छा है हाँ लेकिन कैसा है थोड़ा आवाज थोड़ा कैसा आइसक्रीम थोड़ा कभी कभी ठंडा पानी पी लेता है इसको मना करता हूँ बच्चा है किसके थोड़ा सा आवाज इसका बैठा हुआ रहता है ऐसा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ उसने कहा आपके साथ वो गाता है भजन मंडली मैं पूछना चाहती हूँ कितने बार गाता है वो ऐसा नहीं रहता जैसे कि हम लोग भजन करने जाते हैं तो इसको क्लास करता है इसको ज़्यादा लोग मैं मतलब नहीं देता हूँ ज़्यादा इसको ऊपर दो तीन गाना कभी एक गाना ज़्यादा फरमाइश होता है जब पब्लिक जब ज़्यादा हल्ला करने लगता है चिल्लाने लगता है तो एक दो गाना इसको गवाता हूँ नहीं तो नहीं गवाते पहले हम और हम मैं मेरे साथ जो रहते हैं आदमी उसको मैं गवाता हूँ गाना पर ये कितने बार होता है हर दिन होता है ऐसा हर दिन नहीं श्रीकांत जी हमारे साथ वो बचपन से प्रोग्राम में जाता है 7 साल के अंदर में जितना भी त्यौहार आया हम सभी प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं भिंडी शहर में और सभी प्रोग्राम में हमारे साथ श्रीकांत जी जाते हैं इतने छोटे उम्र में ही इतना ज़्यादा शोज या स्टेज पे बहुत ज्यादा गवाना थकान ज्यादा नहीं होनी चाहिए इतनी उम्र में जी श्रीकांत अभी बेटा आप सीखो ज्यादा क्योंकि आप जब आवाज बहुत ज्यादा चीख चीख कर स्टेज पे गाते हो गला आपका इतना नाजुक सा है वो फटने लगता है और आपकी उम्र क्या है अभी 12 साल ना अभी है वक्त 12, 13, 14 इस वक्त में आपकी आवाज भी बदलने लगेगी तो अभी जो वक्त है इसमें बहुत केयरफुली आपको इसको हैंडल करना है बस और ज़्यादा नहीं मांगना पापा से कि मुझे इधर भी गवाओ उधर भी गवाओ मैं आपके साथ बैठूंगा बैठना लेकिन गाना ज़्यादा नहीं ठीक है बैठो सीखो ये सारी अच्छी बातें हैं लेकिन अपनी आवाज का ख्याल रखो ठीक है थोड़ा सा संभल के बेटा ओके अगली बार मिलते हैं नमस्कार बहुत अच्छा हेलो सर क्या नाम है आपका निर्वेश दवे निर्वेश जी कहाँ से आया तुम्हें गुजराती छो हाँ अहमदाबाद अहमदाबाद अरे वाह कितने साल से आप सीख रहे हैं 6 या 7 साल से आपकी उम्र क्या है 14 ओके क्या सीखते हैं निर्वेश जी क्लासिकल क्या बात है बढ़िया और क्या गाओगे आज सांवरे शेखर का फेवरेट गाना है सर स्केल चाहिए एफ एफ अरे ये तो प्रोफेशनल है सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा बात है। किसी से कहा जाए ना सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना क्या बात है यार वाह 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 निर्वेश निर्वेश आप जैसा वर्सेटाइल अब तक कॉन्टेस्टेंट हमको मिला नहीं है मेरी तरफ से पूरा हाँ है आपके लिए थैंक यू मुझे लगता है एज ही सेड वर्सेटाइल हैं आप पर एक कोई चीज़ में महारत हासिल करनी है वो थोड़ा थोड़ा ऑन द वे प्रोसेस जो शुरू होगा ना उसमें एक कोई चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान दे दो पर आप है तो बहुत कमाल और मेरी तरफ से भी आप बिल्कुल ही हाँ हैं थैंक यू For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.